सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, पढ़ाई की बात तो हम हर हिंदी कक्षा में करते हैं, तो चलो आज हम बात करते हैं खाने पीने की। कौन कौन सी चीज़ें आपको खाने में अच्छी लगती हैं, जो आपकी मनपसंद है? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो हर बच्चे का अलग ही उत्तर होगा। किसी को मैगी पसंद है, किसी को चिप्स, किसी को इडली डोसा, तो किसी को राजमा चावल। इस प्रकार बच्चों, खाने की सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह है खान पान की बदलती तस्वीर। तो बच्चों, अपनी वसंत पुस्तक का पाठ 14 और पेज नंबर 102 खोलिए। जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर हम आज से 10-15 वर्ष पीछे जाएं, पीछे की बात करें, तब से लेकर आज तक हमारे खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। शुरू शुरू में इडली डोसा, सांभर वड़ा केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित थे और उत्तरी भारत में ढाबा संस्कृति थी, जिसमें दाल रोटी, साग सालन ये प्रमुख रूप से मिलता था। लेकिन आजकल हर तरह के व्यंजन हमें हर स्थान पर मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, हमारे खान पान की संस्कृति जो है वे मिश्रित होती जा रही है, क्योंकि इसमें हर तरह की संस्कृति जो है उसका मेल हो रहा है। आजकल बात करेंगे तो बड़े शहरों में लोगों के पास समय ना होने के कारण वे फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स, 2 मिनट नूडल्स पर ज़्यादा आश्रित हो गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो काम काज वाले हैं। गृहिणियाँ ज़्यादातर क्या करती हैं, ज़्यादातर वह काम पर जाती हैं, ड्यूटी पर जाती हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ऐसे पकवान पकाएं या ऐसे भोजन बनाएं जिनमें समय अधिक लगे, चाहे वो हमारे स्थानीय व्यंजन ही हैं। जैसे बात करते हैं हम कि साग है, साग को माना जाता है कि बनाने में समय ज़्यादा लगता है। तो आजकल जो है जिन गृहणियों के पास समय कम होता है वो इसका जो है क्या करते हैं कि या तो इसको बना बनाया मंगवाते हैं, ठीक है, इसको उन्होंने खाना ही कम कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें समय भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत होती है। इसी प्रकार बच्चों, ये जो नूडल्स हैं, 2 मिनट नूडल्स हैं या फास्ट फूड बर्गर जैसे, ये बहुत आसानी से सरलता से जो है उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण इनका प्रचलन जो है वो बढ़ गया है। बच्चे बूढ़े सब इसके स्वाद से खाते हैं। जिस प्रकार पहले हम देखते थे कि विभिन्न प्रकार की नमकीन जो है वो बहुत रुचिपूर्वक खाई जाती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसकी जगह पर आलू के चिप्स जो घर घर में अपनी जगह बना रहे हैं, लोग इनके अलग अलग स्वादों को रुचिपूर्वक खाते हैं। उसी प्रकार बच्चों, ढोकला, गाठिया जो पहले केवल गुजरात तक सीमित था, बंगाल की मिठाइयाँ जैसे रस भरी, ये जो है बंगाल में ही मशहूर थी, पर अब भारत के हर हिस्से में ये मिलनी शुरू हो गई है। जहाँ भी हम चाहें इन चीज़ों को ले सकते हैं और इनका स्वाद हम चख सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों, ब्रेड जो है, ब्रेड की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। पहले ब्रेड जो थी वो सिर्फ साबी ठिकानों तक सीमित थी। साबी ठिकानों का अर्थ होता है अमीरों के घर तक, कि ये केवल अमीरों के लिए ही जो है मानी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हर घर में जो है ये नाश्ते के रूप में किसी ना किसी तरीके से मिल जाती है। उसी प्रकार खान पान की इस बदलती संस्कृति से सबसे अधिक हमारी नई पीढ़ी जो है वो प्रभावित हुई है। जो व्यंजन पहले घरों में पका करते थे वे आजकल लोप ही होते जा रहे हैं। बाजारी व्यंजन और ऐसे व्यंजन अधिक पसंद किए जाते हैं जिन्हें बनाने में कम समय और मेहनत लगे। एक तरह से बात करें तो स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में भी कमी आई है। जिस प्रकार पहले दिल्ली के छोले कुलचे और आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, ये जो है ये बहुत ही मशहूर थे और इनकी जो है लोकप्रियता बहुत अधिक थी, लेकिन आजकल ये मिलते हर जगह पर हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता जो है वो पहले जैसी नहीं रही है। दूसरी बात ये है बच्चों कि महंगाई के कारण भी कुछ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आई है, उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। जिस प्रकार पहले गृहिणियाँ जो ऐसे पकवान पकाया करती थी
जिनके अंदर मेवों का अधिक प्रयोग हुआ करता था, लेकिन आजकल की महंगाई के कारण क्या है कि ऐसे पकवान पकाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि उन्हें बनाया जाए या ना बनाया जाए। उसके बाद बात करेंगे हम बच्चों कि इस बदलते खान पान के जो हैं हमें बहुत लाभ भी मिले हैं, क्योंकि इससे हमारी राष्ट्रीय एकता जो है वो कायम हुई है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि स्कूलों में और दफ्तरों में जब भी दोपहर के भोजन के समय टिफिन खुलते हैं तो उनमें अलग अलग जो है प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं, लोग अलग अलग व्यंजनों को खाते हैं। और उसी प्रकार अगर ये अलग अलग व्यंजन खाए जा रहे हैं तो वहीं पर अलग अलग संस्कृति के बारे में भी बातचीत की जाती है। इस प्रकार ये व्यंजन हमारी राष्ट्रीय एकता को तो कायम करते ही हैं, साथ में इनके बदलते हुए रूप जो है ये हमें एक सकारात्मक पक्ष से जो है लाभ दे रहा है कि किस प्रकार ये व्यंजन जो हैं वो हमारे संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। हर राज्य के व्यंजनों को हम जानने लगे हैं, इन्हें चखकर इनका स्वाद देखने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो है हर चीज़ अपने अपने राज्य में ही मिला करती थी, लेकिन आजकल ये आम ही बनती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिस भोजन को हम एथनिक कहकर पुकारते हैं, ये भोजन जो है ये हमारा लुप्त होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो हमारा पुराना भोजन था, जब हम बात करें कि अगर हम अपने दादी दादा से पूछते हैं या अपने पुराने बुजुर्गों से पूछते हैं क्या उनके समय में ऐसा भोजन था जो आज के समय में है, क्या उनके समय में नूडल्स बर्गर्स ये चाउमीन क्या ये सब कुछ उनके समय मिलता था, क्या वो खाते थे ये सब कुछ? नहीं, तब क्या हुआ करता था, तब ये मौसमी सब्जियाँ दालें फल दूध दही इन्हीं के आधार पर उन लोगों ने जो है अपना जीवन बिताया है। लेकिन आजकल समय की मांग को मानते हुए जो है भोजन का रूप बदल गया है, भोजन के प्रकार बदल गए हैं और लोगों की पसंद भी बदल गई है। इसलिए आज सभी लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी विदेशी भोजन जो है उसको खाना पसंद कर रहे हैं और अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलते ही जा रहे हैं। इससे बच्चों सबसे ज़्यादा हमारी नई पीढ़ी जो है वह प्रभावित हुई है। नई पीढ़ी का झुकाव जो है वो आजकल फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वे अपने स्थानीय व्यंजनों को दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। मैं ये नहीं कहती कि हमें जो है फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं, हमें खाना चाहिए, लेकिन एक उस हद तक जहाँ तक ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, नुकसानदायक ना हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल की नई पीढ़ी जो है इसको अपना मुख्य भोजन मानते हुए इसी का सेवन करना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उनके जो है शरीर को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। तो अंत में बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी इस पाठ के माध्यम से कि हमें अपने स्थानीय भोजन को जो है वो कभी भी लुप्त नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसकी गुणवत्ता को देखते हुए उसका सेवन करना चाहिए और साथ में हमें दूसरी संस्कृतियों को भी अपनाते हुए दूसरे भोजन को भी अपनाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।